नमस्कार दोस्तों, अजय ट्रेडर्स की और एक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, सोमवार का बैंक निफ्टी ऑप्शन और निफ्टी ऑप्शन में क्या हो सकता है। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि वन डे के कैंडल में क्या सीनियर बन रहा है। फ्रेंड्स, यहां पे आप चेक करोगे बैंक निफ्टी में तो वो ये वन डे का कैंडल चार्ट है और ये ट्रेडिंग व्यू का वेबसाइट है। आप यहाँ पर चेक करोगे फ्रेंड्स तो उन्होंने ये एक ट्रेंड लाइन अप से डाउन लाइन जा रही थी, जिसने बैंक निफ्टी ने उसको ब्रेक कर दिया है और लास्ट फ्राइडे को उसने एक हैमर टाइप का कैंडल बनाया हुआ है। फ्रेंड्स, आप ये चेक करोगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि ये एक हैमर टाइप का कैंडल है फ्रेंड्स, और ये एक बुलिश कैंडल का ही साइन होता है फ्रेंड्स हैमर कैंडल में। तो आइए देखते हैं 15 मिनट की चार्ट में बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। फ्रेंड्स, ये 15 मिनट का चार्ट मैंने लगाया है स्क्रीन पे। लास्ट फ्राइडे को बैंक निफ्टी ने क्या किया था फ्रेंड्स, गैप ओपन होने के बाद इसका जो हाई था उसने वो ब्रेक नहीं किया और पूरा दिन इसी रेंज में कंसोलिडेशन करता रहा। तो आइए देखते हैं सोमवार को बैंक निफ्टी क्या कर सकते हैं। इससे पहले ये पूरा लेवल मैंने यहाँ पे पहले से जो किया हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप चेक करोगे 15 मिनट की चार्ट में तो ये डाउन साइड से अप साइड में ये ट्रेंड लाइन जा रही है, जिससे सपोर्ट मिल रहा है बैंक निफ्टी में। तो अगर सोमवार को फ्रेंड्स, जैसे हम हर बार नो ट्रेडिंग जोन ड्रॉ करते हैं, वैसे मैंने ड्रॉ किया है फ्रेंड्स रेक्टेंगल पैटर्न में। ये जो है हमारा नो ट्रेडिंग जोन 34,164 से लेके डाउन की साइड में 34,978। अगर बैंक निफ्टी यहीं पे ओपन होती है और अगर अपसाइड में 35,164 ब्रेक करेगा तो उसका पहला टारगेट आने की संभावना है 35,261, दूसरा टारगेट आ सकता है 35,365 और तीसरा टारगेट आ सकता है 35,448। और अगर डाउन के साइड में फ्लैट ओपन होने के बाद 34,978 ब्रेक किया तो उसका पहला टारगेट आ सकता है 34,836, सेकंड टारगेट 34,669 और तीसरा टारगेट आने की पॉसिबिलिटी है 34,565, क्योंकि यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकअप हो जाएगा डाउन के साइड में। फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी में अगर आप 100 पॉइंट का मूवमेंट पकड़ सकते हो ना, तो और एक द मनी का कॉल या इन द मनी का कॉल या पुट लेते हो ना, तो भी आपको अच्छा बेनिफिट होता है फ्रेंड्स। ये मैंने प्रैक्टिकली करके देखा है पेपर ट्रेडिंग में। ओके, तो आप पेपर ट्रेडिंग कीजिएगा। अगर बाद में आपको ऐसा लगता है कि ये लेवल से आपको बेनिफिट होता है तभी आप ट्रेड कीजिएगा फ्रेंड्स। मैं ये वीडियो एजुकेशन पर्पज से ही बनाता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट में क्या सीनियर बना हुआ है लास्ट फ्राइडे को। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखोगे तो एसजीएस निफ्टी 21 पॉइंट माइनस में क्लोज हुआ है और डाउन जोंस 46 माइनस में क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है फ्रेंड्स 35,125 के करीब क्लोजिंग हुआ है उस बैंक निफ्टी का। ओके, तो आइए देखते हैं अब निफ्टी में क्या हो सकता है सोमवार को। फ्रेंड्स, जैसे बैंक निफ्टी ने वन डे के कैंडल में ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, वैसे निफ्टी ने भी ये ट्रेंड लाइन को उसने ब्रेक किया है फ्रेंड्स वन डे के कैंडल में। और यहाँ पे आप चेक करोगे फ्रेंड्स यहाँ पे तो उसने एक हैमर कैंडल बनाया है फ्रेंड्स लास्ट फ्राइडे को। तो आइए देखते हैं कि उसका टारगेट कहाँ तक आ सकता है 15 मिनट की चार्ट में फ्रेंड्स निफ्टी में। और निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है फ्रेंड्स, उसका क्लोजिंग हम देखते हैं तो 16,220 पे उसका क्लोजिंग हुआ है निफ्टी का। तो आइए देखते हैं 15 मिनट की चार्ट में क्या सीनियर बन रहा है निफ्टी 50 में। फ्रेंड्स, जैसे बैंक निफ्टी में लास्ट फ्राइडे को गैप ओपन हुआ था, वैसे निफ्टी भी गैप ओपन हुई थी और उसने इसी रेंज में पूरा दिन बिताया लास्ट फ्राइडे को। तो किसी को ट्रेड करना अच्छे का मौका नहीं मिला होगा फ्रेंड्स निफ्टी में भी। और यहाँ पर आप चेक करोगे लगातार गैप ओपन हो रही है निफ्टी। तो 15 मिनट की चार्ट में मैंने पहले से लेवल ड्रॉ किया है फ्रेंड्स ये, जिसको मैं आपको अभी बता देता हूँ। फ्रेंड्स, जैसे मैं हर बार नो ट्रेडिंग जोन ड्रॉ करता हूं फ्रेंड्स, वैसे इसमें भी नो ट्रेडिंग जोन ड्रॉ किया है। अगर 16,238 से लेकर 16,160 के करीब ओपन होती है बैंक निफ्टी तो हमें ट्रेडिंग नहीं करना है, मूवमेंट का वेट करना है। और अगर अपसाइड में 16,238 ब्रेक करती है तो उसका पहला टारगेट आ सकता है अपसाइड में 16,270, दूसरा टारगेट आएगा 16,324 और तीसरा टारगेट आ सकता है उसका 16,400 के करीब, अल्टीमेट उसका टारगेट रहेगा 16,500। और अगर डाउन के साइड में फ्रेंड 16,159 ब्रेक करता है निफ्टी तो उसका पहला टारगेट आने की संभावना है 16,096,
दूसरा टारगेट आ सकता है 16,057 और तीसरा टारगेट आने की पॉसिबिलिटी है 16,010 के करीब आ सकती है नीति। जैसे यहाँ से एक ट्रेंड लाइन पे जा रही है नीति में 15 मिनट की चार्ट में, तो इसका भी ब्रेक करने के बाद ही आप बाई कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी ज़्यादा गैप अप या ज़्यादा गैप डाउन ओपन होती है तो हम प्राइस एक्शन का बनने का वेट करेंगे, उसके बाद ही हम ट्रेड करेंगे। फ्रेंड्स, अगर किसी को न्यू डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे आप न्यू डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। और अगर किसी को टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हो। फ्रेंड्स, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।